गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना प्लायर ब्लेड का मान पेंट के द्वारा पर निर्भर नहीं करता, उसको हम प्रूव करना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डायग्राम से, एक डायग्राम में देखते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के तत्व हिसाब से पहले देखते हैं कि प्लायर ब्लेड क्या होता है। तो प्लायर ब्लेड क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो वृद्धि क्षेत्र रहता है उसके पास चले जाता है और वो वापिस नहीं आता करता, तो इसको क्या बोलते हैं, पलायन ब्लेड कहते हैं। ठीक, तो डायग्राम से देखते हैं, पृथ्वी है, उसकी त्रिज्या क्या है, आर है, उसका द्रव्यमान क्या है, एम है। ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रही है डी एक्स डिस्टेंस से। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं आगे, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या माने हैं, एम, तथा त्रिज्या क्या है, आर। तो किसी क्षण एम द्रव्यमान का एक बीम पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर स्थित है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के तल से x दूरी पर एम द्रव्यमान कोई बिंदु है वो स्थित है। तो आगे देखते हैं क्या होगा, पृथ्वी का एम द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल, एम द्रव्यमान की जो पिंड है उस पर आरोपित बल क्या होगा, F फोर्स इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्यों है, इसका डिस्टेंस इसलिए हम एक्स क्यूब किया। उसके आगे देखते हैं, इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पिंड को डी एक्स दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य डब्लू डी डब्लू इक्वल टू क्या होगा, एफ डी एक्स, एफ क्या फोर्स डी एक्स उसको ले जाने में किया गया कार्य। तो क्या होगा, एफ का वैल्यू यहाँ से पर उम्मीदा है, इसको हम पुट करते हैं क्या होगा, जी एम अब स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर ये रहा, उसके बाद ये डी एक्स। उसके आगे अतः पिंड को पृथ्वी की सतह x इक्वल टू r से अनंत दूरी मतलब इंफिनिटी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, w इक्वल टू इंफिनिटी लिमिट है r टू इंफिनिटी f dx। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, सबसे पहले r का वैल्यू f dx का वैल्यू रखते हैं हम, लिमिट r डैश टू इंफिनिटी, फिर f dx का वैल्यू अपन को यहां पे मिला जी एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, सबसे पहले जी एम एम है, इसको इस कांस्टेंट के रूप में इसको बाहर रख लेते हैं, तो क्या होगा, जी एम स्मॉल एम लिमिट आर टू इंफिनिटी है, उसके बाद बचा गया तो जी एम एम कॉमन बाहर निकला तो बचा के अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर तेरा अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जी एम स्मॉल एम वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स इनवर्स अपॉन माइनस वन लिमिट रहेगा आर टू इंफिनिटी। अभी लिमिट को पुट करेंगे क्या मिलेगा, जी एम एम वन अपॉन एक्स लिमिट है अपना आर टू इंफिनिटी। ठीक है, तो एक्स की जगह इंफिनिटी और आर पुट करेंगे क्या मिलेगा, ये पहले माइनस जो है यहाँ पे वो बाहर आ सकता होगा, माइनस जी एम स्मॉल एम और ये इंफिनिटी वन अपॉन इंफिनिटी माइनस वन अपॉन आर, ये इंफिनिटी को पुट करें वहां पे मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, इसके वैल्यू माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं यदि पेंट का पलायन में वी टी हो तो। ठीक है, तो पेंट की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगा, इक्वल टू वन हाफ एम वी टी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद पलायन में जो है जनित गतिज ऊर्जा का क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वस्तु को बाहर ले जाने में किया गया कार्य इक्वल होगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ एम वी टी स्क्वायर इक्वल टू ले जाने से बाहर किया गया कार्य क्या है, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, v e स्क्वायर इक्वल टू टू ए टू ही साइड गया तो टू जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, उसके बाद इसमें जो कर्व कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, v e स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि m यहाँ पे आएगा, एम एम कैंसिल और ये टू इधर जाने से टू जी एम। ठीक है, v e स्क्वायर इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट करेंगे
तो v इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर। अब उसके बाद देखते हैं, हम जानते हैं कि g इक्वल टू क्या होता है, जब v द्वारा इक्वल टू g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम। तो यहाँ पे जो अपन इक्वेशन मिला जी एम, इसके जगह हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। तो आगे देखते हैं v इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे जी एम की जगह हम क्या रखते हैं जी आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 जी आर स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको क्या होगा आगे, v इक्वल टू यहाँ पे आर और यहाँ कैंसिल, तो 2 जी आर कैंसिल, v इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना, क्या प्रूफ हुआ यहाँ पे, पलायन में का जो मान है केंद्र के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। थैंक यू।